एक आंदोलन दो मुद्दा और दो तरफ निशाना। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के बोल का कारमा ऐसा ही चला। चंद्रशेखर ने जमकर किसान आंदोलन के पक्ष में बात कही, लेकिन उनके निशाने पर मोदी सरकार आ गई। कह दिया किसान आंदोलन बीजेपी की तानाशाह सरकार के सबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम करेगा। ये सरकार उन किसानों के शोषण पर उतर आई है जिसने उनकी सरकार बनाई। किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार उनके आवाज दबाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है और लाठी और बंदूकों का सहारा ले रही है। किसान इससे दबने वाला नहीं। आजाद पार्टी किसानों के साथ मैं कल वहीं था और जिस जब से आंदोलन चल रहा है 65वां दिन है, मैं लगातार उनके सहयोग में हूँ और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बैठ जाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो हर जिले में जो है ना एक किसान पंचायत हो जाएगी। अगर सरकार ना मानी तो हर जिले में किसान पंचायत होगी, एक धरना हर जिले में लगेगा। चंद्रशेखर ने कहा गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन में जो कुछ हुआ वो नरेंद्र मोदी सरकार की साजिश है। वहीं मोदी पर निशाना साधते साधते उन्होंने योगी सरकार को भी निशाने पर ले लिया। मैं एक पीड़ित परिवार से मिलकर आया, रिठानी का एक मामला है, आप लोगों ने छापा भी था, 56 फ्रैक्चर थे और 20 दिन हो गए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार जो है उनको डराया धमकाया जा रहा है, आरोपी खुलेआम घूम रहे, ये हो रहा है मेरठ में। और योगी जी कहते हैं कि हम जो हैं यहाँ कानून का राज चल रहा है, कानून का राज नहीं, गुंडों का राज चल रहा है, सत्ता में बैठे लोगों का पूर्ण संरक्षण है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चंद्रशेखर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बरसे। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कानून का राज होने की बात कहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि प्रदेश में गुंडा राज है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब प्रदेश में हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं न होती हो। सरकार उनके आवाज दबाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है और लाठी और बंदूकों का सहारा ले रही है। किसान इससे दबने वाला नहीं।